जी, मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है। बिल्कुल। इससे पहले मैंने मतलब हिंदी पिक्चरों से स्टार्ट किया था। आज दिन तक जितने भी किए, सबसे पहला मेरी पिक्चर थी डबल धमाल, उसके बाद एनएमई बात बन गई, चलबाग स्पार्क, बेशरम, पुलिस गिरी, फोर्स वन, फोर्स टू, अभी मेरी आने वाली पिक्चर है, साउथ की मूवी करके आया हूँ मैं, और अभी जो संजय दत्त की बायोपिक है वो भी आने वाली है, और बीच में 8-10 पिक्चर और है जो कम्प्लीट हो चुकी है, मतलब रिलीजिंग की डेट पर। सर, इस मूवी में आपका क्या रोल है या फिर क्या है? शक्ल से तो मैं हीरो लगता नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव ही करेक्टर होगा जो भी होगा कुछ। ओके सर, आप इस फिल्म में भी विलन का काम कर रहे हैं जी, तो आपके किरदार के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। किरदार देखो, एक नेगेटिव करेक्टर क्या होता है, कहीं से कोई वसूली करना, कहीं पे कुछ हो गया तो उसको मतलब उठा के या मारपीट करके उसको अपने कब्जे में करना, मतलब जो भी उल्टे सीधे काम करता है वो नेगेटिव ही करता है, और उसके बाद हीरो की एंट्री होती है तो वहाँ पे विलन को दबना ही पड़ता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में हीरो को ही जो है फर्स्ट मराठी दिया जाता है। और ये तो मेरी मतलब पहली मराठी पिक्चर है, इसको देखते हैं कैसा होता है, मतलब डेब्यू है मराठी फिल्म के लिए, और हमारे सर जी है, देखते हैं। अभी 10 दिन पहला ही हमारी बात हुई थी कि एक्चुअली हम एक मूवी बना रहे हैं जिसमें एक करेक्टर आपका भी है, मैं कहा ठीक है करते हैं, तो कल रात को ही फोन आया कि लॉन्च है, तो उसके लिए आप आइए एक बार, तो मैं कहा चलो ठीक है। सर, आपने अभी कहा कि आपकी फर्स्ट मराठी डेब्यू फिल्म है, तो आप कोई भी एक अलग चीज़ या फिर कोई हट के चीज़ नहीं ट्राई करते, तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है, तो आपको आज कैसा फीलिंग हो रहा है? मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वस का है कि मैं तो सोचता हूँ कि कोई डिफरेंट करने को मिले, एक ही करेक्टर करके मतलब हिंदी पिक्चरों में कर करके थोड़ा सा ये होता है कि चलो यार आज मेरे को फर्स्ट टाइम मराठी पिक्चर मिली है, तो उसके मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करूँ जिससे मराठी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग से छाप मिले। सर, आपका कोई मैसेज जो आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे? देखिए, मूवीज़ बहुत आती है, हर मूवी के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, कहीं पॉलिटिकल लेवल पे होता है, तो कहीं प्यार मोहब्बत के ऊपर होता है, तो कोई एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि किसी की बायोपिक के ऊपर बनी होती है, तो हर मूवी का अलग अलग मैसेज होता है। यही ये भी एक मूवी है मतलब जिसका नाम वायरेट करके रखा गया है, तो एक लव स्टोरी के ऊपर है, तो उसमें एक यही मैसेज है कि आदमी को किसी के भी मतलब प्यार प्रेम हो, प्यार देखो ये जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, एक भाई बहन का प्यार भी होता है, माँ बाप का प्यार भी होता है, बाप और बेटे का प्यार भी होता है, तो प्यार अलग अलग चीज़ होती है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि यार नहीं ये गलत कर रहा है, या बहुत से लोग लेते हैं कि भाई अगर मैं अमीर हूँ तो मैं गरीब लड़की से शादी क्यों करूँगा या प्यार क्यों करूँगा, लेकिन प्यार जो है वो एक दिल से किया जाता है, उसमें जात पात या ऊंच नीच नहीं देखा जाता। थैंक यू सर। ओके सर, आप दोनों का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अजहर हुसैन है और मैं इस फिल्म में असिस्ट कर रहा हूँ संदीप सर को, जो कि मल्हार फिल्म से बना रहे हैं फिल्म वैराट, और बॉलीवुड का करियर मेरा लगभग 17 साल से चल रहा है। बॉलीवुड में जब पहली बार आया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आया था मैं, उसके बाद फिर एक्शन डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट, मराठी फिल्म के बारे में कभी सोचा ही नहीं था मैंने कभी मराठी फिल्म कभी करूँगा, क्योंकि लैंग्वेज से डरता था मैं, दिल्ली से रहने वाला नॉर्थ से, मराठी का कोई कुछ ज्ञान है नहीं, तो ये वैराट एक मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है और फर्स्ट डेब्यू भी है मेरे लिए। आई होप ये फिल्म काफ़ी हिट हो, और पहला काम है तो हिट होने के लिए पूरी जान लगा देंगे हम, तो अच्छी फिल्म बनाएंगे, और एक्शन तो मेरा पहले से फेवरेट है, रोमांस जानता हूँ, करेंगे कर लेंगे अच्छा करके। आपने अभी अभी कहा आप दिल्ली से हैं और आपको मराठी नहीं आता, तो आपने इस फिल्म के लिए थोड़ी बहुत मराठी सीखी है? एक्चुअली मराठी कैसा है कि मेरी वाइफ है फैशन डिज़ाइनर है, और मराठी का काफ़ी एक्सपीरियंस भी उसको, और 2015 में उसको मराठी फिल्म के लिए बेस्ट फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड भी मिला था, तो उससे ज़्यादा मैक्सिमम उसी सीखता हूँ मैं कि मराठी सीखना, उसे उस मराठी में बात करना, कभी झगड़ा कर लेना तो मराठी में मुझे कुछ ना कुछ कह देती है वो, तो मराठी में वहीं से सीख लेता हूँ मैं कि क्या है आता तुझा समथिंग समथिंग लाइक। आज आपकी डेब्यू मूवी लाइक मराठी डेब्यू मूवी का मुहूर्त चल रहा है, मतलब मुहूर्त हो चुका है, सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू मी? एक्चुअली मुहूर्त तो हमने काफ़ी सारे फिल्मों का कर लिया है, और हम हमेशा से सोच ये रहती है कि हर एक मुहूर्त हमें कामयाबी तक लेकर जाए, सक्सेस तक लेकर जाए, फिल्म बने, हिट हो, पर आज म्यूज़िक से है तो म्यूज़िक तो हर किसी की चाह है कि म्यूज़िक पसंद लोगों को आता है, म्यूज़िक लोगों के दिल में है, लोग म्यूज़िक गुनगुनाते रहते हैं, तो इस फिल्म की शुरुआत जो म्यूज़िक से की गई है
और मेरे ख्याल से एंड भी म्यूजिक पे ही होगा. सो लेट्स कम टू यू स्टार्टिंग विद द नेम इंट्रोडक्शन. मेरा नाम अमित कुमार पाठक है. मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है ग्रेट हिमालय मोशन पिक्चर्स. हम रिसेंटली अभी दो तीन फिल्म्स करने वाले हैं हिंदी, बड़ी बजट की फिल्म्स हैं, उसमें बाबा लीड में हैं. सो होपफुली हम आगे बढ़िया चीज़ों को लेके हैं. फिलहाल मैं अभी संदीप जी को मोटिवेट करने के लिए आया हूँ. अब देखिए जो उनका म्यूज़िक लॉन्च है काफ़ी सक्सेसफुल होगा मेरे ख्याल से, और उनकी फिल्म उससे ज़्यादा सुपर हिट होगी और अच्छा रिकॉर्ड करेगी. सर आज आपकी मुहूर्त है तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी इस मूवी को लेकर. एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि संदीप जी मराठी फिल्म बना रहे हैं और मल्हार फिल्म्स, मल्हार एक ऐसा नाम लगता है मेरे को कि ये खुद एक फिल्म है. मल्हार ब्रांड है, वो एक ब्रांड है. तो सैराट जिस हिसाब से हिट हुई थी पूरी मराठी जगत में, सबसे बड़ी फिल्म मानी गई आज तक की, तो मेरा कोशिश ये है कि ये फिल्म मराठी जगत में उससे भी बड़ी फिल्म मानी जाए, और इसके लिए इंशाल्लाह हम सब जी जान लगा देंगे. एक्सपेक्टेशन देखिए जो सैराट है थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, आप सेम मत समझिए. सैराट से कहीं बेहतर ये फिल्म है और थोड़ा यूनिक है. आप जब देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा. थैंक यू सो मच. यस थैंक यू. बाजू वाला रोल रोल. ओके सर आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और आपका नाम. मैं हरिओम राय, पब्लिसिटी डिजाइनर. इसके पहले मैंने मराठी फिल्म किया हुआ है विराट पीर मराठा, माझा नौराची बाई को, पुंगी प्रेमाची और भी बहुत सारी मूवी है जो कि मैंने की हुई है. पब्लिसिटी डिजाइन. सर पब्लिसिटी डिज़ाइन करना बहुत ही दिमाग वाला काम होता है, बहुत ही क्रिएटिविटी चाहिए. तो अब हमें थोड़ा उसकी चीज़ के बारे में बताइए कि कैसे. जब भी ये कोई भी कॉन्सेप्ट रहता है तो पहले मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का क्या कहानी है, उसके हिसाब से मैं उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करता हूँ कि क्या डिमांड है, पब्लिक को कैसा लगेगा डिजाइन मेरा, उस हिसाब से मैं डिजाइन करता हूँ. सर आज मुहूर्त है तो अभी से ही आपके दिमाग में चक्री चालू हो गई होगी. हाँ, कैसे डिज़ाइन करना है. ये सर संदीप अहिरे जी ने मुझे बोला कि मेरी फिल्म का डिजाइन आपको करना है, तो मैंने पूछा कि ठीक है आप अपना कॉन्सेप्ट बताइए, उसके हिसाब से मैं उसे मैं क्रिएट करूँगा. फिर मैंने उसे अभी उसके लिए काम स्टार्ट कर दिया है, अभी काम चालू है इस पर. अब जैसे ही इनका शूटिंग फाइनल हो जाएगा उसके बाद उस पर मैं पूरा डिटेलिंग में वर्क करूँगा. सर यहाँ पे काफ़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही है, तो आपका क्या रिव्यू है इस चीज़ के लिए. प्यार मोहब्बत तो अपनी अपनी जगह पे है, किसे क्या पसंद है. ठीक है सर, कोई मैसेज जो आप देना चाहें. अभी इस फिल्म को मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से हिट हो ये फिल्म. मेरी इस फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और संदीप सर को मैं चाहूँगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट में शुरू से अंत तक रखें. ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ. थैंक यू. हाँ बोलिए बोलिए. मल्हार प्ले प्रोडक्शन निर्मित वायराट या चित्रपटाचं आज गणेश चतुर्थीच्या दिवशी मुहूर्त झालेला आहे, आणि या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हिंदी कलाकारातले रमेश गोयल सर, माझे मित्र ठाकूर साहेब सुरेंद्र ठाकूर, माझा असिस्टंट डायरेक्टर भारती हिंदीची टीम याच्यामध्ये आहे, आणि नक्कीच हा वायराट पिक्चर मोठा होईल. आणि आमचा प्रयत्न चाललाय की वायराटमध्ये संजय दत्त यांनी सुद्धा एक दिवसाचं काम करावं, प्रयत्न चालू आहे. गणपती बाप्पाच्या मनात असलं तर ते सुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण होईल. आणि मी रमेश गोयल सर यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया वायराटचा क्लॅप करावा. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. सिद्धी विनायक भगवान की. गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, जय गणेश. सर एक क्लॅप और करू का.